आज सोनू निगम ने कॉन्ट्रोवर्सी ट्वीट किया है। अजान के ऊपर सुबह में सोनू निगम को तकलीफ होती है, उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। यहाँ तक कि सोनू निगम ने कहा है कि अजान होना एक दादागिरी किस्म की चीज़ है। बात करते हैं डोंगरी पर। डोंगरी हम उमर खाड़ी एरिया में खड़े हैं, गली न्यूज़ आज उमर खाड़ी में खड़ी है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम का एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, बहुत सेंसिटिव एरिया कहा जाता है। मगर यहाँ पर लोग जो है उनके उससे सुनते हैं। एक तरफ यहाँ पर मस्जिद है, हम आपको एक जगह पर लाए हुए हैं, यहाँ पर मस्जिद है और यहाँ पे शनि मंदिर है। इस बीच में जो लोग रहते हैं, जो अजान की आवाज़ सुनते हैं, मंदिर की घंटी सुनते हैं, उनसे पूछते हैं। पहले तो बात करते हैं फेमस ज्वेलर शाह बुरमल जी से। सर आपका नाम? मेरा नाम पारस जैन है। क्या कंपनी का नाम है? शाह बुरमल ज्वेलर्स करके मेरा शॉप है। सर जी, सोनू निगम एक बहुत बड़े सिंगर है, उन्होंने आज एक कहा है सुबह सुबह कॉन्ट्रोवर्सी ट्वीट किया है कि अजान की वजह से सुबह में उनकी नींद खराब हो जाती है, और कुछ अलग तरीके से कहा है। आप कितने साल से इस एरिया में हो? मैं करीबन 35 साल से ये एरिया में हूँ। हमको इस अजान की कोई तकलीफ नहीं होती है। एक बाजू मस्जिद है और एक बाजू मंदिर है। सुबह अजान होती है, उसके बाद मंदिर में आरती होती है। यहाँ तो पूरी पॉजिटिव ही है, नेगेटिव तो वातावरण दिखता ही नहीं है, सब पॉजिटिव है। इस तरफ भी पॉजिटिव है, उस तरफ भी पॉजिटिव है। आप क्या सोनू निगम के इस दावे को खारिज करेंगे कि उनकी नींद टूटती है? नहीं नहीं, किसी की भी नींद नहीं टूटती है, मैं उनके दावे को खारिज करूंगा। बात करते हैं यहाँ पर राजू फोड़कर जी से, जो शिवसेना के बड़े अधिकारी हैं, उप विभाग प्रमुख हैं यहाँ पर साउथ मुंबई के। राजू फोड़कर जी, आपका बचपन यहाँ पर गुजरा है, यहाँ पर डोंगरी पे गुजरा हुआ है, सोनू निगम के ट्वीट पे आपको क्या कहना है? सोनू निगम ने जो ट्वीट किया उसका पर्सनल ट्वीट है, उससे कोई भी नमाज से या अजान नमाज से या अजान से किसी को किसी तरह की भी तकलीफ नहीं। एक पवित्र वातावरण निर्मित होती है यहाँ पे, और ऐसा अगर कहने जाए तो हमारे गणपति में भी हम लोग स्पीकर लगाते हैं, नवरात्रि में स्पीकर लगाते हैं, हमारे मंदिर में रोज आरती होती है। तो नहीं, गणपति सीजनल प्रोग्राम है, यहाँ पर रोज़ सुबह अजान की बात हो रही है जो सुबह 6 बजे चालू होती है। रोज़ सुबह अजान जैसी होती है वैसे ही रोज़ हमारे एक मंदिर में 2 बार आरती होती है, तो उसकी वजह से एक वातावरण निर्मित जो है यहाँ इस डोंगरी पे एक पवित्र वातावरण निर्मित होती है। और हम लोग हिंदू मुस्लिम जो भाई भाई है, हम लोग एक दूसरे के गले में गले डाल के यहाँ पे रहते हैं। और राजनीतिक अगर बात की जाए तो बहुत से हमारे मुस्लिम भाई जो है वो हमारे वोटर्स है। इसके लिए सोनू निगम की ये जो बात है वो सरासर गलत है, कोई तकलीफ नहीं होती। अगर सोनू निगम भी कोई आड़े टेढ़े गाने गाता है तो वो भी हमारे कान को ख़राब लगते हैं, तो क्या हम सोनू निगम का मुंह बंद कर दें? ये नहीं हो सकता। जो जिसको अच्छा लगता है वो उसी को उसी इलाके में, ये सोनू निगम फुकट में आपस में दूरी फैलाने की कोई कोशिश कर रहा है वो उसकी पर्सनल ये है, वो उसको खुद को अगर लगता है कि ये गलत है तो उसके खिलाफ वो कोर्ट में जाए। शायद सोनू निगम को इन दो का मैसेज जाना चाहिए कि भाईचारा का मैसेज है, कोई तकलीफ नहीं होती है। इतने बड़े महल में रह के इतनी बड़ी पॉपुलरिटी हासिल करने के बाद भी शायद सोनू निगम को राजू फोड़कर और भरमल जी की बात सुन के कुछ सबक लेना चाहिए। बात करते हैं इरफान सारंग से, जो इस एरिया में यहाँ पर मस्जिद के ट्रस्टी भी हैं। इरफान जी, आप कैसा वो करोगे सोनू निगम की ट्वीट को, आप क्या कहोगे? नहीं, अगर किसी कारण मस्जिद में किसी रोज़ स्पीकर ख़राब होने की वजह से अजान नहीं होती है फजर की, तो सबसे पहले हिंदू भाई लोग आके हमसे पूछते हैं कि भाई अजान क्यों नहीं हुई आज माइक के ऊपर, क्योंकि वो लोग उसकी वजह से उठते हैं, अपने काम पर पहुंचते हैं, टाइम पे पहुंचते हैं और उनको अच्छा लगता है। और ये एक सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने के लिए सोनू निगम ने इस तरह का बयान दिया है। अयाज जी से बात करते हैं। अयाज भाई, आप यहाँ पर हार्ट ऑफ द उमर खाड़ी में बैठे हो, ये सोनू निगम के ट्वीट को आप कैसा करोगे, क्या बोलोगे? सोनू निगम ने जो ट्वीट किया है वो उसका पर्सनल ट्वीट है, और वो उसने सस्ती लोकप्रिय हासिल करने के लिए किया है। यहाँ पे हमारी ज़िंदगी निकल गई, यहाँ पे शाफी मस्जिद का अजान आती है, यहाँ पे बाजू में मंदिर है, हमारे मंदिर के बाजू में क्रिश्चियन लोग का चर्च है, यहाँ पे सब चलता है, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है, बल्कि एक अच्छा वातावरण स्टार्टिंग मॉर्निंग होती है वैसे ही अजान से होती है, उसके बाद में आरती होती है, क्रिश्चियन लोग अपने चर्च में आते जाते हैं। अभी तक तो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है, इनका पर्सनल लुकआउट है और ये पर्सनल बहुत सस्ती लोकप्रिय हासिल करने के लिए कर रहे हैं। शायद सोनू निगम को इनका मैसेज जाना चाहिए कि भाईचारा का मैसेज कैसा होता है। यहाँ पर मस्जिद है, मंदिर है, और अयाज भाई ने कहा कि अभी यहाँ पर क्रिश्चियंस लोग का ये है, ये सब फूड लगाने के हिसाब से बात होती है। बात करते हैं भाई साहब, आपका नाम? सुहास। सुहास भाई, सुहास सुहास सुहास, पूरा नाम गोरडे, सुहास गोरडे। सुहास गोरडे जी की एक बात बता दें, आप देखिए आप महाराष्ट्र में?
हाँ महाराष्ट्रीयन हूँ। इतनी अच्छी बात बता दें आपको, देखिए हमने अभी देखा इनके पेन में ख्वाजा गरीब नवाज का एक फ़ोटो है, मस्जिद का फ़ोटो आप देख सकते हो, ये हमने अभी देखा है, सॉरी रहमान शाह बाबा दरगाह का फ़ोटो है, ये देखिए जेब में दिल के पास लगा के घूमते हैं आप देख सकते हो। सुहास भाई ये अभी हमने आपको आपका देखा सुहास जी, और देखिए गले में महाराज भी, ये हमारे राजू भाई बता रहे हैं, ये देखिए आज सोनू निगम ने कहा कि सुबह की अजान से उनको बहुत डिस्टर्ब होता है, उनकी नींद टूट जाती है, और कहा कि ना दादागिरी करके लोग अजान करते हैं। आप कितने साल से इस एरिया में? मैं अभी मेरा 58 उम्र है, मैं बचपन से यहीं रहता हूँ। क्या आपको कभी ऐसे लगा कि अजान हो रही है या कुछ? कुछ भी तकलीफ नहीं है, जो हो रहा है वो सब अच्छा ही हो रहा है। एक बार भी अगर उसने कुछ बोला है तो कहीं एक बार भी आपको ऐसा लगा कि सुबह की अजान हुई मेरी नींद टूट गई है या मेरी नींद खराब हो गई है? नहीं वैसा कभी नहीं हुआ। आप सुनते हो सुबह की अजान? हाँ सुनता हूँ ना मैं अजान। सोनू निगम के इसको बात को खारिज करते हैं कि उसने गलत कहा है कि क्या? उसने गलत कहा है, ये मुझे तो नहीं अच्छा लगा है। राजू जी की एक बात और करते हैं, राजू जी आप बताइए जरा दिन में कितने टाइम की अजान होती है जरा बताएंगे प्लीज? हम दिन में 5 टाइम की नमाज होती है और हम बचपन से देखते आते हैं, जैसे फजर की कहते हैं, जोहर की कहते हैं, असर, मगरिब और ईशा, और अपने रमज़ान महीने में जो अपनी तरावी होती है और एक शब की भी नमाज होती है जो रात में होती है। ये सब नमाज जो है वो एक पवित्रता वातावरण में निर्मिति करती है, और हमारे बाला साहब ने तो मुस्लिम शख्स को उनके घर के अंदर मातोश्री बंगले के अंदर नमाज पढ़ने दिया था, तो हम इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं है, ये गलत है सोनू निगम जो कर रहे हैं। भाई तुम्हारा हमारा सोनू निगम से एक दरख्वास्त है कि भाई तुम्हारा ये पर्सनल मामला है, इसको ट्वीट करके तुम फोकट की पब्लिसिटी ना अपनाओ, तुमको अगर ये गलत लग रहा है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। जैसा हमारे भाई साहब ने कहा, हमारे अयाज भाई ने, कि सस्ती की पब्लिसिटी है, ये सस्ती की पब्लिसिटी का अपनाने के फंडे बंद करो भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, थोड़ा जहमत उठाने के लिए, दो बात बोलने के। भरमल जी है ये यहाँ के बहुत बड़े ज्वेलरों में से एक है, और ये भी हमारे रिक्वेस्ट पर आ गया है एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी करने के लिए, बात करने के लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोग का, इरफान जी, अयाज जी, थैंक यू वेरी मच, गलियों से बात करने के लिए धन्यवाद।